आए कराची आ गया। टीम की अब्दुल्ला विलोस टीम इतना शोर शराबा करने वाली, ये देखें एक टीम मेंबर ये सोया हुआ है और एक टीम मेंबर ये और उल्टे सीधे सो चुके हैं। और मेरा जो है ये भी तकिया रेडी है और मैं भी अभी सोता हूँ। कहाँ आया मेरा बेटा, ये झगड़ा करके भाई के साथ सोया है जिद करके, तो लेकिन बच्ची है लाडली। जिक्रिया चले, चलो पहले दादी को मिलो, उठो दादी को मिलो, सबको मिलो, अल्लाह हाफिज करो, फिर निकलते हैं। हाँ ये बैग इधर रख देते हैं, ये वाला यहाँ पे और इस बैग की जगह ये बन गई है, ये इधर रख देते हैं। चलो उतरो और पानी की बोतल ये भी रख लेते साथ, ये यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला व्लॉग्स आबिद के साथ। जी तो नाज़रीन, गाड़ी मैंने निकाल ली है और अभी निकल रहे हैं मुल्तान के लिए और ट्रेन का सफ़र है मुल्तान से कराची आगे। और बहाउद्दीन ज़िक्रिया पे मेरी टिकट है और इकॉनमी क्लास है, ट्रेनें काफ़ी ज़्यादा लेट हैं और आज की ट्रेन अभी पहुँची है मुल्तान में, लेकिन ये कि 4 घंटे ये लेट है और यहाँ से जो कल निकली थी ट्रेन वो अभी तक कराची पहुँची नहीं है, 6 से 7 घंटे वो लेट हो चुकी है और मज़ीद आगे पता नहीं कितना लेट होती है। गाड़ी निकालते हैं अभी यहाँ से और निकलते हैं और मुल्तान पहुंच के इंशाल्लाह मिलेंगे। और यहाँ से मुल्तान तक का जो हमारा सफ़र है ये है 1 घंटा 15 मिनट का, 1.25 घंटे का ये सफ़र है, तो इंशाल्लाह मुल्तान पहुंच के मिलते हैं आपसे। तो वीडियो में आप साथ रहें, आज का ट्रैवल व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और अब्दुल्ला और अनाया जो हैं ये बैठे हैं, ये देखो, ओए बैग से नीचे उतरो। चलो दादी को मिले हो, ताई को, सबको अल्लाह हाफिज़ बोला। पाकिस्तान में तरक्याती काम हमेशा होते रहते हैं, बना के उसको दोबारा से बनाते रहते हैं और यही हाल इस चौकमुंडा शहर का है। और 1 साल हो चुका है इस रोड को बनते हुए और अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ ये 1 किलोमीटर का टुकड़ा है। मुल्तान पहुंच के कैंट स्टेशन पे ही मिलेंगे।
गाड़ी पहले पार्क कर लें। नया लेज कौन से चाहिए आप हैं? दो लेज चाहिए, चलो लेज ले लेते हैं, लेज ले लेते। और अभी अनाया को लेज चाहिए, लेज दिलाते हैं। 40 वाली लेज जो है ये हमने यहाँ से 50 में खरीदी। बस में आए आ जाओ। ये जैन बाबा हमारे, ये भी मुझे सी ऑफ करने आए और जैन लेज मांग रहे। जैन को लेज दो, एक एक लेज दो जैन को, और दो और एक और दे दो अदला, अभी दे दो, कोई बात नहीं खैर है और ले लेंगे। मुझे दे दो, दे दो जैन, मुझे दे दो थोड़ा सा। इधर वापस जैन, वापस। ईद की वजह से माशाल्लाह रश है ट्रेन का, और ट्रेनें भी लेट हैं और रश काफ़ी ज़्यादा है स्टेशन पे। ये जितना भी रश लगा हुआ है ये ज़िक्रिया के लिए, और सभी मुसाफिर जो है ज़िक्रिया का वेट कर रहे हैं। और ज़िक्रिया अभी वॉशिंग लाइन में है और कह रहे हैं कि एक घंटा पूरा वो ट्रेन जो है लेट है। और ये मुसाफिर जितने भी पाकिस्तान एक्सप्रेस के और मुल्तान उतरे हैं, और अभी ये पाकिस्तान एक्सप्रेस लाहौर की तरफ जाएगी, और मेरे ख्याल में लाहौर तक जाती है या शायद इससे आगे भी जाती होगी, पता नहीं है। ये पाकिस्तान एक्सप्रेस अभी आके रुकी थी जो कराची से आई है। ट्रेन पे पानी भरा जा रहा जी। ज़िक्रिया अब्दुल्ला मेरा हाथ पकड़ लो, कौन सी ट्रेन है? ज़िक्रिया ये 10 नंबर और ये 9 नंबर है, और इसके बाद 8 और फिर 7। और अभी चलते हैं, बैठते हैं। हेल्प कर दी हमारी और सामान हमारा चला गया अंदर। चलो नाये अभी अंदर चलो, मैं और अनाया अभी अंदर जाएंगे। चलो 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 अंदर चले, अंदर 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 चलो चलो। ऐ शाबाश, बोलो बोलो बोलो, ऐ शाबाश। और हम अंदर आ गए, और अभी अब्दुल्ला अभी सही है। चलो, और ये दो सीटें आपकी, ये दो हमारी। हाँ नहीं, नहीं? हाँ ये वाली आपकी ऊपर वाली, और ये वाली नीचे वाली नाया की। नहीं, नहीं। पहले ये बताओ लाइट किसने ऑन की थी मोबाइल की? नाया के। क्यों नहीं। आपको नहीं पता यहाँ चार्जिंग नहीं होएगा, फिर बैटरी खत्म होगी, कहाँ जाएंगे? इसने सही है। अभी यहाँ पे कहाँ जा रहे हो आप? कराची। अच्छा, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओए ओए, बाय 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 बाय। नहीं, आप कहाँ जा रहे हो? ओए, ये दो पैसेंजर हैं भाई ज़िक्रिया पे आज, और डेढ़ घंटा जो है लेट हो चुके हैं दोनों, लेकिन कराची जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र हमारा शुरू हो चुका है और मुल्तान कैंट से हम निकल चुके हैं। ये देखेंगे डोमिनोज, मुल्तान कैंट स्टेशन पीछे, और अभी ट्रैक पे आ गई है ट्रेन। और बनाया आपने टिकट नहीं लिया था? बगैर टिकट के सफ़र कर रहे हो? बगैर टिकट के सफ़र कर रहे हो?
थोड़ा सा मैं रेस्ट करूंगा क्योंकि मैं थका हूं, और उसके बाद बाकी की अपडेट आगे जाके आपको देंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बैग, एक तो सेफ रहेगा और ये मैंने चेक कर लिया किलो है, ये मैंने नीचे रखा हुआ है, और बच्चों की हैं तो 1250 में, और दो टिकट जो हैं वो एडल्ट की हैं वो हैं 2350 रुपये में, और मुल्तान से ये कराची बहाउद्दीन जिक्रिया इकोनॉमी क्लास। तो माशाल्लाह से सफ़र तो हमारा सही गुजर रहा है और अच्छा सफ़र हो रहा है, और अभी तक और अभी खाना हमने खाया नहीं है, लेकिन बच्चों ने रिफ्रेशमेंट की थी और बच्चे सो गए, और अभी मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, जब भूख लगेगी फिर खाना खाएंगे। और इस टाइम हम पहुँच चुके हैं अहमदपुर शहर के, और यहाँ पे अभी 2 मिनट का स्टॉप होगा और फिर यहाँ से निकलेंगे, और अगला स्टेशन यहाँ से लियाकतपुर है। अभी तक हमारी जो टीम थी अब्दुल्ला विलोस टीम, इतना शोर शराबा करने वाली, ये देखें एक टीम मेंबर ये सोया हुआ है और एक टीम मेंबर ये, और उल्टे सीधे सो चुके हैं, और मेरा जो है ये भी तकिया रेडी है और मैं भी अभी सोता हूँ, रात काफ़ी हो गई है और बच्चे अभी सोए रहेंगे, हमने पर्दा कर लिया, और माशाल्लाह से ये अभी इस जगह पे ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, और अब हम सोने लगे, और अनाया मेरा बेटा ये झगड़ा करके भाई के साथ सोया है ज़िद करके, तो लेकिन बच्ची है लाडली है, अभी सोया रहेगा, और मैं भी अभी सोने लगा, सफ़र बहुत अच्छा जा रहा है, और मौसम जो है बारिश की वजह से तकरीबन बारिश काफ़ी लंबे चौड़े एरिए में बारिश हुई है, और बारिश की वजह से हवा काफ़ी ठंडी हो चुकी है, अभी लंबा स्टॉप जो है वो हमारा एक ही होगा रोड़ी में पहुंच के, आधा घंटा वहाँ पे, आधा घंटा या गलबन 20 मिनट ट्रेन होती थी वहाँ पर, तो रोड़ी पहुँच के एक बार जागेंगे और मिलेंगे वहीं पर घर से, पहुँच के अभी खाना वाना हमने खा लिया, बच्चे भी खाना खा के सो गए, और अभी मैं भी सोने लगा हूँ इंशाल्लाह, अभी सोते हैं और सुबह या रोड़ी पहुँच के इंशाल्लाह मिलेंगे। चड़ी मैंगो कौन वाली दिखाए मुझे, छोटी वाली बड़ी वाली छोटी छोटी और कितने का दे दे, और रोड़ी जंक्शन पे अभी पानी ले लिया है, अच्छा वॉशरूम करना, अभी हम वापस अनाया चौधरी अभी तक सोए हुए हैं, उनको कोई पता नहीं है कोई होश नहीं है, इतना खुली भी ले गया, मैं तो तुम क्या और अनाया के बाल बिखरे हुए हैं, और अभी ये कंट्रोल हम तो कर नहीं सकते, और मम्मा अनाया की अभी सो रही है, इधर देखो अच्छा मलिकम बोलो, अच्छा मलिकम लेटो लेट जो
ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, एक जीरा प्लस, ये कितने का है? केक है, केक दूसरा नहीं है, बेक टाइम वगैरह कुछ, ये कितने का? और एक ये कितने का? ये 50 और 200 देना। ये कितने हो गए अभी इसके? ये दो, ये और एक, ये 220 मुझे दे दो, ये ले, मुझे दे दो भैया, ये ठीक है भाई, ठीक है, ये ले। कितने हो गए जूस के? 40 जूस दिखा बेटा, ये ले, अभी देते हैं कुछ जूस निकाल लो बेटा, मुझे ये लो ना, ये पकड़ो। अभी नया ने जूस और ले, नया जूस, बिस्किट और केक मिले, ठीक है, आ जाओ। शाबाश, चलो भाई के पास, खुद भी खाओ, भाई को भी दे दो। हाँ चलो 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 चलो, इधर इधर आ जाओ। नया कैसा लगा? ओए नया को जूस अच्छा लगा? यहाँ पे कोयला वजन करके बेचते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी काने हैं कोयले की, और ये छोटी छोटी जो काने हैं यहाँ पे, ये ट्राइपॉड लगाया है कान के ऊपर और लाइटें लगी हुई हैं, और ये लिफ्ट है एक किस्म की, और इसी से कोयला जो है यहाँ पे निकाला जाता है, और छोटे छोटे वेल हैं जगह जगह पे इसी तरह लगाए हुए हैं कोयला निकालने के लिए, और बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े एरिया में ये वेल लगे हुए हैं। और अनाया और अब्दुल्ला देखें बिस्किट खाने में बिजी, और खाने के साथ ये देखें अभी थक चुके हैं, लेकिन अब्दुल बारी जो है ये देखना ही देखना है। सेंटर में मोबाइल रखा हुआ है, क्योंकि दोनों के पास अभी एक ही मोबाइल है, एक मोबाइल बंद हो गया है हमारा बैटरी डाउन होने की वजह से, और अनाया देखें मुश्किल से कैसे देख रहे ये कार्टून, कोई होश नहीं है कि बाबा वीडियो भी बना रहे हैं। वाले हैं पहले लाठी पहुँचेंगे, और लाठी के बाद आएगा स्टेशन जो वो है मेरे ख्याल में डिग रोड, डिग रोड के बाद ये कैंट पहुँचेंगे इंशाल्लाह।
पहुंच के वहीं पर मिलते हैं इंशाल्लाह, साथ रहिए। और अभी सफ़र थोड़ा रह गया है, लेकिन ये कि अभी थोड़ी परेशानी भी कम हो गई है, क्योंकि सूरज जो है ये ऊपर आ गया, पहले एक साइड से आ रहा था, और उस वक्त जो है गर्मी बहुत ज़्यादा थी हमें, यानी काफ़ी गर्मी महसूस हुई, और डस्ट ने तो बुरा हाल कर ही दिया है। इकॉनमी की डस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा फील होती है, और अगर बारिश ना हुई होती तो हालत इससे भी बदतर होती, लेकिन इतना शुक्र है ट्रेन में पानी अवेलेबल है। लांडी जंक्शन करता हूँ आपको, हमारा जो ट्रैवलिंग का व्लॉग है ये पसंद आया होगा। और अभी डिग रोड पे हम उतरने वाले हैं और कराची पहुँच चुके हैं, और थोड़ी सी मुश्किल भी हुई, लेकिन ये है कि सफ़र हमारा अच्छा गुजरा है। से मलीर नदी, इसी जगह से जो है आधे कराची को सब्जियां जो हैं मलीर नदी से आती हैं। मलीर नदी की सब्जी का मेन घर जो है दाऊ चुरंगी और कायदाबाद, और मलीर इस एरिया की सब्जी जो है यहाँ पर। कराची आ गया, ये देखो, चलो उतरो, आ जाओ नीचे, मामा पास आ जाओ। पाकिस्तान में वॉल चैकिंग है तो बैन, लेकिन आप देखें इनके नंबर, देखें आप, ये इस बाबा का नंबर देखें, इसका देखें, और ये देखें, ये नंबर पढ़े जरा। मैं कहता हूँ कि गोल्डन नंबर तो ये निकलवा के लाते हैं। ये अभी आगे सावित्री माई का नंबर, ये भी पढ़े। मोबाइल नंबर जो है ना, ये इन्हीं आमिल बाबा जितने होते हैं ना, इन्हीं के, और सिर्फ ये इनका शिकार जो है ना, और जो नो मौलक जो जितने भी आशिक मिजाज लोग हैं वही होते हैं इनका शिकार, और ठीक ठाक ये पैसा झाड़ते हैं उनसे, और उनको सही से ये लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, मामू बनाते हैं। और अभी यहाँ पे हम उतरेंगे, और अभी उतरते हैं, भाई हेल्प कर देंगे, भाई कह रहे हैं कि मैं हेल्प कर दूंगा सामान उतारने में। और नाया अब्दुल्ला आगे आगे, मैं पीछे हूँ, इधर नाया हाथ पकड़ लेना। और सामान हमने ले लिया ये, और भाई का सामान भी उतारते हैं। टूटने वाला कुछ? हाँ मैं नहीं भाई, उधर जाके सोसाइटी में पिला लेंगे, ऐसा ना बात। हाँ आ जाओ आ जाओ, नहीं 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 पिलाते नहीं पिलाते नहीं पिलाते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और अनाया को ड्रॉप पिलाने थे तो अनाया रो पड़ी, तो हमने मना कर दिया, भाई हम सोसाइटी में जाके पिला लेंगे। और अभी हम बाहर निकल रहे हैं डिग रोड से, और यहाँ से निकलते टैक्सी करवाते हैं। कितों लेना एयरप्लेन, कितना बड़ा? चलो सही, टैक्सी वाले बाबा मिल गए, और अभी निकल रहे हैं हम, और अभी निकल रहे हैं यहाँ से, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, कराची तो पहुँच ही गए, और अभी आगे के व्लॉग जो हैं जितने भी कराची में बनेंगे, और अभी कराची डिग रोड से ऐसनाबाद तक हमने जाना है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और इतनी गर्मी में मैंने वीडियो बनाई है, लाइक लाजमी कीजिएगा। अब्दुल्ला भी लोग उसको सब्सक्राइब कर लें, मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।